तो व्हाट्सअप गाइस फिर से बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टॉक मार्केट अड्डा में। तो दोस्तों आज हम लोग एक दिग्गज आईटी सेक्टर की कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले उसका जो टारगेट बता देता हूँ, टारगेट है दोस्तों 1145, ठीक है। 8 अप्रैल को टारगेट आया था 1145। हम लोग बात करेंगे HCL टेक्नोलॉजी के बारे में, आज डिस्कशन करेंगे अभी कितना प्राइस चल रहा है और दोस्तों टारगेट यहाँ पर 1145 है, क्या कुछ है सब कुछ डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसका चार्ट पैटर्न को ओपन करते हैं। HCL टेक्नोलॉजी के हम ओपन किए हैं, लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन में आप देखोगे तो यहाँ पर करीबन 3.5% की गिरावट हुआ है। 5 डे की देखोगे तो वही 4% की गिरावट, 1 मंथ में 2% की गिरावट, 6 मंथ में देखोगे तो 10% की अपर सर्किट, 1 ईयर में देखोगे तो 1% की अपर सर्किट, 5 ईयर में देखोगे तो 127% ये रिटर्न दिया है, मैक्सिमम देखोगे तो दोस्तों 685% की रिटर्न कंपनी दिया है। तो दोस्तों कंपनी शुरू हुआ था 2000 मसिया में 122 करके आया था, उसके बाद 24 रुपये तक चला गया था। यहाँ से अगर हम यहाँ तक देखेंगे तो 1700% की, 3000% की रिटर्न, 4000% की रिटर्न टोटल शो हो रहा है। और कोविड के टाइम से पहले दोस्तों यहाँ पर 608 में ट्रेड हो रहा था और जब कोविड आया दोस्तों उसके बाद 400 रुपये से नीचे तक चला गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 430 तक चला गया था लेकिन 1000 लगाकर रिटर्न आया है। तो दोस्तों पूरा डिटेल्स में बात करेंगे, चार्ट तो दिखा दिया। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा दिखा देता हूँ, जो प्रॉफिट परफॉर्मेंस। तो दोस्तों यहाँ पर मैं HCL टेक्नोलॉजी को यहाँ पर ओपन किया हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो मैं ईयरली यहाँ पर ओपन किया हूँ, ईयरली यहाँ पर ओपन किया हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे 2016 में 84 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, 2017 में 126, उसके बाद 2018 में 137, 2019 में 144 और 2020 यानी लास्ट ईयर में 156 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी ने दर्ज किया है, ठीक है। कंपनी यहाँ पर दर्ज किया है तो इसलिए कंपनी तेज़ी से यहाँ पर भागेगा दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, NSE के ऑफिशियल वेबसाइट जाएंगे, यहाँ पर हम थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर देखिए बाई हो रहा है, 447 अप्रैल 2020 में गया था और दोस्तों जन 2021 में 167 तक ये चला गया था, यानी 1067 रुपया तक ये चला गया था, हाई लगाया था और 35% की डिलीवरी क्वांटिटी यहाँ पर उठाया गया है। कंपनी इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है, 2000 यहाँ पर आप देख सकते हो 2,53,000 करोड़ से 3,39,000 करोड़ का प्रॉफिट शो हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 4 रुपया करके अक्टूबर महीने में दिया था डिविडेंड 2020 में और 2021 में दोस्तों यहाँ पर 4 रुपया करके डिविडेंड भी प्रोवाइड किया था। और दोस्तों यहाँ पर एक भी शेयर प्रमोटर यहाँ पर गिरवी नहीं रखे हैं। पूरा डिटेल्स में अगर यहाँ पर हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो दोस्तों इसका जो मार्केट कैप आप देख सकते हो 2,60,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक लार्ज मार्केट कैप कंपनी है। 961 करंट प्राइस अब शो हो रहा है, हाई लगाया था यहाँ पर देख सकते हो 1074 रुपया, उसके बाद सेक्टर पी 19 है, बुक वैल्यू 209 है, डिविडेंड कंपनी 1.04 देता है, ROC देख सकते हो 27% है और रिटर्न फॉर इक्विटी आप देख सकते हो यहाँ पर 23% की रिटर्न फॉर इक्विटी है और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये IT सॉफ्टवेयर कंपनी है और दोस्तों 3 नंबर पर HCL टेक्नोलॉजी आता है। क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3,143 से 3,977 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस पूरा देखेंगे तो यहाँ पर भी 11,000 से 13,223 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज है। बैलेंस शीट देखोगे तो शेयर कैपिटल 543 है, रिजर्व कंपनी के पास 56,000 करोड़ का रिजर्व है और 5,466 करोड़ का कर्जा है, यानी ना के बराबर कर्जा है जितना रिजर्व रखा है कंपनी। उसके अलावा अगर यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे किसके पास कितना शेयर है, प्रमोटर के पास 60%, FI वालों के पास 25%, DI वालों के पास 10%, गवर्नमेंट के पास 0.04 है और यहाँ पर पब्लिक के पास 4.46 है। यानी दोस्तों सारा पैरामीटर देखने के बाद ये जो टारगेट मैं आपको दिया हूँ 1145 रुपया आराम से ये इसको अचीव करेगा और भी ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा। और दोस्तों अभी जो कोविड का पैंडेमिक चल रहा है इसलिए शेयर लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन में पूरा धड़ाक से नीचे आए, कोई घबराने की बात नहीं है। जो लोग होल्ड किए वो होल्ड करके रखिए और जो लोग फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो बाय करके चल सकते हैं लंबे अवधि के लिए, होल्ड करके रखिए। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी, पसंद आएगी दोस्तों लाइक कीजिए, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।